नमस्कार प्रणाम, मैं नलवन तिवारी हूँ और आप सभी का स्वागत है अधिवक्ता महोदय में। लखनऊ विश्वविद्यालय में यूजी के पीजी के एंट्रेंस लगभग चल रहे हैं। यूजी के एंट्रेंस सारे हो चुके हैं, यूजी के एडमिशन्स हो रहे हैं, चॉइस लॉट की व्यवस्था हो रही है, आपके फीस सबमिशन की बात चल रही है। लखनऊ विश्वविद्यालय में पीजी के एंट्रेंस भी चल रहे हैं और इस कड़ी में जो आज हम बात करने वाले हैं वो लखनऊ विश्वविद्यालय में भी 9 तारीख को हुए एलएलएम एंट्रेंस को लेकर के है। एलएलएम एंट्रेंस के बाद से ही लगातार ये सवाल आ रहा है कि कट ऑफ कितनी जाएगी, जनरल की, ओबीसी की, एससी की, ईडब्ल्यूएस की, एसटी की। हॉस्टल को लेकर के सवाल पूछे जा रहे हैं, चॉइस फिल को लेकर के सवाल पूछे जा रहे हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय से एफिलेटेड लॉ कॉलेजों को, लॉ कॉलेजों में एलएलएम कोर्स के विषय में सवाल पूछे जा रहे हैं, कोर्स के नेचर को लेकर के सवाल पूछे जा रहे हैं। तो ढेर सारे सवाल हैं एलएलएम के एंट्रेंस के बाद से ही, तो आज एक एक करके उन सवालों का जवाब देते हैं। और आज की जो पूरी चर्चा है वो एलएलएम के प्रवेश को लेकर के है कि एलएलएम की कट ऑफ कितनी जाने वाली है लखनऊ विश्वविद्यालय के इस बार के एलएलएम सत्र 2023 के एडमिशन में। तो सबसे पहले तो हम अगर बताएं तो लखनऊ विश्वविद्यालय में जो एलएलएम का कोर्स है वो लखनऊ विश्वविद्यालय के न्यू कैंपस में चलता है, सीतापुर रोड पर जानकीपुरम में स्थित है फैकल्टी ऑफ लॉ। बहुत सारे लोग एंट्रेंस देने गए होंगे तो ओल्ड कैंपस में गए होंगे, पीजी ब्लॉक में गए होंगे, न्यू कॉमर्स में गए होंगे, न्यू लॉ बिल्डिंग में गए होंगे, अटल ब्लॉक में गए होंगे। तो वहाँ पर आपकी फैकल्टी ऑफ लॉ नहीं स्टैब्लिश है, आपकी जो फैकल्टी ऑफ लॉ है वो है लखनऊ विश्वविद्यालय के न्यू कैंपस में जानकीपुरम में। चूंकि लॉ फैकल्टी में सेंटर नहीं पड़ा था तो बहुत सारे लोगों ने फैकल्टी ऑफ लॉ का सेंटर नहीं देखा होगा, लेकिन जिन भी लोगों ने आईएमएस में पेपर दिया होगा तो आपने देखा होगा कि आईएमएस के ठीक बगल में लॉ फैकल्टी है। जिन लोगों ने इंजीनियरिंग फैकल्टी में न्यू कैंपस में एंट्रेंस दिया होगा उन्होंने भी देखा होगा कि वहीं जो जिस रास्ते से आप इंजीनियरिंग कॉलेज इंजीनियरिंग फैकल्टी के लिए गुजर रहे थे उसके पास में ही लॉ फैकल्टी है। तो ये तो बात होगी कि लॉ फैकल्टी है कहाँ पे। सीट्स की अगर बात करें तो टोटल सीट्स हैं वो 60 हैं, 60। और इन 60 सीटों में जनरल में, ओबीसी में, एससी में, एसटी में और ईडब्ल्यूएस में बंटवारा है। तो हम एक एक करके पहले बात करेंगे कि किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं। जनरल कैटेगरी कहें या ज़्यादा बेहतर होता है ओपन कैटेगरी कहना, तो ओपन कैटेगरी में सीटें टोटल हैं 30। कुल मिला करके 30 सीटें हैं वो ओपन कैटेगरी के लिए हैं। उसके बाद अगर हम बात करें ओबीसी के लिए तो ओबीसी के लिए करीब 16 से 17 सीटें हैं जो केवल ओबीसी कैटेगरी के लोगों को ही मिलती है। ओपन कैटेगरी में ओबीसी कैटेगरी का व्यक्ति भी जा सकता है, बच्चा बच्ची कोई भी जा सकता है। एससी की बात करें तो एससी कैटेगरी में जो टोटल सीटें हैं वो करीब 12 सीटें हैं, 12-13 के करीब सीटें हैं। और अगर एसटी में कोई कैंडिडेट मिल जाता है तो एक सीट एसटी की है। अक्सर होता यह है कि एसटी वाली सीट पर एससी का ही एडमिशन हो जाता है। तो टोटल सीट्स में अगर 60 के बंटवारे की हमने बात करी, 30 अनारक्षित हैं और 30 आरक्षित सीटें हैं और ईडब्ल्यूएस की 6 सीटें। तो कुल मिलाकर के ये सीट्स की बात हो गई। कोर्स के नेचर की अगर बात कर लें कि कोर्स रेगुलर है कि सेल्फ फाइनेंस है, तो लखनऊ विश्वविद्यालय में जो एलएलएम का कोर्स है वो सेल्फ फाइनेंस नहीं, वो रेगुलर कोर्स है। रेगुलर कोर्स का मतलब कि आपकी जो फीस है वो काफ़ी कम है, मुझे लगता है 5,665 या 6,565, कुल मिलाकर के 6,000 के करीब आपकी सेमेस्टर की फीस लगती है। पहले बार में थोड़ा सा 1,500 रुपये का अंतर रहता है, बाकी सेमेस्टरों में वो फीस कम हो जाती है क्योंकि जो लोग बाहर से आते हैं उनके एनरोलमेंट की एक खास फीस लगती है और जो लोग यहीं से हैं उनके एनरोलमेंट की फीस नहीं लगती है। टोटल 60 सीटों पर एलएलएम का ये एंट्रेंस हुआ था 9 तारीख को लखनऊ विश्वविद्यालय के न्यू कैंपस में, ओल्ड कैंपस में। और 10 तारीख के अखबारों में खैर कुछ ऐसी जानकारी नहीं मिली विश्वविद्यालय की ओर से, आधिकारिक जानकारी नहीं मिली, वो आंकड़ा सामने नहीं आया कि कितने लोगों ने एग्जाम दिया था, कितने लोगों ने एग्जाम नहीं दिया था। और मैंने जब जो भी देखा उसमें ये लगा कि जब एग्ज़ाम के बाद लोग बाहर निकले तो एग्ज़ाम के जो पेपर की अगर हार्डशिप की बात करें, पेपर की कठिनाई की बात करें तो थोड़ा जटिल पेपर था। तो जटिल पेपर के लिहाज से हमने इस कट ऑफ का एनालिसिस किया है, पिछले लोगों से बात करने के बाद एनालिसिस किया है और उस एनालिसिस के बाद जो एलएलएम की कट ऑफ क्या जाने वाली है उसको लेकर के हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले मैं बताऊँ तो 100 सवाल थे, 200 नंबर के थे, दो दो अंकों के एक एक सवाल थे। और उसमें सबसे पहले अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें, ओपन कैटेगरी की, जनरल मैं नहीं कह रहा हूँ, जनरल का मतलब सामान्य से, ओपन का मतलब अनारक्षित से है, तो मैं ओपन कैटेगरी की बात करूँ, जिन भी लोगों का पिछली बार की तुलना में अगर बात की जाए, उस पेपर के कठिनाई के स्तर की बात की जाए, तो जिन भी लोगों का 75 से लेकर के 80 तक सवाल सही हो रहा है, 75 से लेकर के, ये मैं सबसे बड़ी सूचना आपको दे रहा हूँ कि 75 से लेकर के 80 के बीच में अगर आपके सवाल सही जा रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं। मतलब आपका नंबर जो है वो 150 से लेकर के 160 तक के बीच में है। 160 के ऊपर जो जिन जो लोग हैं वो द सेफ जोन में है, लेकिन 75 से लेकर के 80 के बीच में जिनके सवाल हैं वो अपने आप को सुरक्षित मान सकते हैं, उनको अभी बहुत परेशान होने की, इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है। और
जब मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ तो मैं उन लोगों की बात करूँ कि किन लोगों को वेट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। जिन भी लोगों के सवाल 70 के ऊपर और 75 के आसपास सही हो रहे हैं उनको वेट करना पड़ेगा पहली काउंसलिंग में। काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है उसको लेकर के मैं भी बात करूंगा कि काउंसलिंग की प्रक्रिया में कितने राउंड की काउंसलिंग होती है, कितने दिन तक होती है, उसकी बात मैं बाद में कर लूंगा। लेकिन अभी के लिए जो बड़ी बात है वो ये है कि जो जनरल कैटेगरी में, जैसे पिछली बार की बात करें तो पिछली बार जो टॉपर थी शिवानी त्रिपाठी और उनके उनके जो नंबर थे वो करीब 164-166 के आसपास थे। तो पेपर पिछली बार भी कोई ऐसा आसान पेपर नहीं था, पिछली बार भी अच्छा खासा मजबूत पेपर था, लेकिन उसकी तुलना में थोड़ा सा, जैसा लोग बता रहे हैं, मैं उसकी बात नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि लोगों की राय के बाद ये समझ में आ रहा है कि थोड़ा सा वो पेपर जटिल था। तो 80 सवाल जो ओपन कैटेगरी, मतलब ओबीसी कैटेगरी में हो आप, एससी कैटेगरी में हो, एसटी कैटेगरी में हो, अगर आपके सवाल 80 के आसपास सही जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में, आपका एडमिशन होना सुनिश्चित है और ओपन में आपका एडमिशन हो जाएगा। जिन भी लोग जो ओपन कैटेगरी में एडमिशन चाहते हैं, जो जनरल कैटेगरी के हैं या किसी भी कैटेगरी के हैं और जिनके सवाल 70-75 के आसपास हैं ओपन में, मतलब जनरल कैटेगरी में, उनको वेट करना पड़ेगा। अभी मैं बात करूंगा ओबीसी कैटेगरी की। ओबीसी कैटेगरी में जिनके सवाल 70 सही हैं, ओबीसी कैटेगरी में जिनके 70 सवाल सही हैं, जिनका स्कोर 140 के आसपास, 140 से ऊपर जा रहा है, वो ठीक है, वो सेफ जोन में। अगर आप 70 सवाल सही करके आए हैं ओबीसी कैटेगरी में हैं और आपके 140 से ऊपर नंबर आ रहे हैं, 150, 160 कितने भी आ रहे हैं, तो आप सेफ जोन में हैं। 70 सवाल से नीचे अगर आप ओबीसी कैटेगरी में सही करके आए हैं तो आपके लिए थोड़ी सी पहले राउंड में मुश्किल है। 70 से नीचे जिनके 60 सवाल सही हैं ओबीसी कैटेगरी में, जिनके 55 सवाल सही हैं, 58 सवाल सही हैं, बाद की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बाद में देखते हैं कितने लोग यहाँ पर एडमिशन लेते हैं, नहीं लेते हैं, सीटों के वैकेंसी के आधार पर वो चीज़ उस पर डिस्कशन होगा। लेकिन अगर आपने ओबीसी कैटेगरी में 70 सवाल सही किए हैं, 70 के ऊपर हैं तो बिल्कुल सही है, 70 तक अगर आपने सही किए हैं तो आप उम्मीद कीजिए कि लखनऊ विश्वविद्यालय में LLM में आपके लिए एक सीट है। उसके बाद बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी की। एससी कैटेगरी में 65 सवाल के ऊपर यदि आपके सही हैं, एससी कैटेगरी में अगर आपके 130 नंबर आ रहा है, जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, अगर 65 सवाल से ऊपर आपके सही हैं तो आप भी सेफ कैटेगरी में हैं, आप भी सेफ जोन में हैं, आपका प्रवेश होने की संभावना काफ़ी प्रबल है। अगर आपका स्कोर 130 से नीचे आ रहा है तो फिर आपके साथ समस्या है, तो फिर थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, थोड़ा सा ऊपर के लोगों को हटने की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, वो कहीं अलग एडमिशन लें इसकी बात करनी पड़ेगी। और लास्ट में अगर हम बात करें एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी में जिनके भी 120 के करीब सवाल, 120 के करीब नंबर आ रहे हैं, जिनके 60 के करीब सवाल सही हैं, क्योंकि एसटी कैटेगरी में लोग मिलते बहुत कम हैं, इसलिए एसटी कैटेगरी में मैं कहूंगा कि अगर आपके 55-60 सवाल भी सही हैं तो आपके होने की काफ़ी उम्मीद है। फिर बात करते हैं EWS कैटेगरी की। EWS कैटेगरी में ऐसा नहीं है कि इसमें कोई रियायत है। EWS कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो जनरल और ओबीसी के बीच में ही रहेगी, और मैं तो कहूंगा कि EWS कैटेगरी के जो लोग जो 75 के करीब सवाल सही करके आए हैं वो अपने आप को सेफ माने। मतलब अगर आप EWS कैटेगरी क्लेम कर रहे थे और अगर आपके 150 के करीब नंबर आ रहे हैं तो आप सुरक्षित हैं, क्योंकि अक्सर देखा यह जाता है कि जो ये टेंडेंसी रही है, आप जहां पे पढ़ करके LLB में आ रहे होंगे या आप इंटर में रहे होंगे, आपने देखा होगा कि शुरुआत में ऊपर के एक दो लोगों के नंबर बहुत रहते हैं, उसके बाद एक अच्छा खासा गैप रहता है। मतलब टॉपर के नंबर 160, 166 के करीब, दूसरे के 164 के करीब, फिर तीसरे वाले के 158, 155, वो गिरावट हो जाती है। तो लेकिन जहां पर वो टॉपर चला गया, कट ऑफ का निर्धारण तो हम एक तरीके से कहें तो वहीं से हम करते हैं, हम जो विश्लेषण करते हैं वो कट ऑफ का निर्धारण वहीं से करते हैं कि पहले वाले का कितना है। अक्सर जो EWS कैटेगरी के लोग हैं, अक्सर वो ऊपर के दूसरे तीसरे चौथे नंबर पर रहते हैं, तो वो एक तरीके से देखा जाए तो वो EWS की कट ऑफ को ऊपर लेके जाते हैं। खैर, कुल मिलाकर के जो बड़ी बात है LLM के आपके प्रवेश परीक्षा के बाद के लिए, वो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं और अगर आप 160 के ऊपर स्कोर कर रहे हैं तो लखनऊ विश्वविद्यालय में LLM में आपके लिए एक सीट है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी में हैं और आप 140 के ऊपर स्कोर कर रहे हैं, 140, 150 के करीब स्कोर कर रहे हैं, तो आप सुरक्षित हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय में LLM में प्रवेश पाने के लिए काबिल हैं। एससी कैटेगरी की बात, जैसे मैंने बताई, 130 के ऊपर अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आप काफ़ी सुरक्षित हैं। मैं अब बात कर लेता हूँ वेटिंग की और काउंसलिंग की प्रक्रिया की बात कर लेता हूँ। जब लखनऊ विश्वविद्यालय में सबसे पहले कट ऑफ जारी होगी, उसके बाद आपको आपके लॉगिन आईडी और पासवर्ड के माध्यम से आपको अपना लॉगिन करना है दोबारा से। जैसे कट ऑफ जारी हुई उसमें ये लिख करके आएगा कि जो लोग इस कैटेगरी में फला नंबर से ऊपर पा रहे हैं वो फीस सबमिट करें।
अगर आप उस दायरे में आ रहे होंगे तो आप जब लॉगिन आईडी और पासवर्ड अपना लॉगिन करेंगे तो आपके लिए फीस पेमेंट करने के ऑप्शंस खुल जाएंगे। जैसे मेरा लॉगिन आईडी एक्स वाई जेड है और मेरा पासवर्ड एबीसी है, तो जिस समय अगर मैं उस कैटेगरी में फॉल कर रहा हूं, अगर मैं उस कैटेगरी के अंदर आ रहा हूं जो मेरी कैटेगरी की कट ऑफ है उसके अंतर्गत आ रहा हूं, तो जब मैं अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड, जैसे आप लगातार लॉगिन आईडी पासवर्ड को यूज करते आए हैं अपना फीस सबमिट करने के लिए फॉर्म भरते समय, तो जब मैं लॉगिन आईडी और पासवर्ड यूज करूंगा तो मेरे लिए फीस पेमेंट करने का ऑप्शन खुल करके आ जाएगा। मैं उसमें जो फीस उसमें लिखी होगी मैं उस फीस को पेमेंट करूंगा और वहां से करीब 4 या 5 पेजेस का एक अलॉटमेंट लेटर होता है, प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर होता है, उसी को फीस रसीद भी बोलते हैं क्योंकि उसी के पीछे फीस रसीद लगी होती है। आप जैसे लॉगिन आईडी और पासवर्ड उस पर डालेंगे, खैर मैं इन सारी बातों को लेकर के एक बार दोबारा से बात कर लूंगा, आज मैंने कट ऑफ के लिए ही बात सोची थी लेकिन अभी बात छिड़ गई है तो मैं बता दूं। तो उसमें आप अलॉटमेंट लेटर निकाल करके अपने पास रख लेंगे, जिस समय आपका फिजिकल डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा उस समय आपको ये अपना अलॉटमेंट लेटर अलॉन्ग विद आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के यहाँ पर कैंपस में रिपोर्ट करना होगा और अपने विभाग में जो भी आपके कर्मचारी बाबू हैं उनको आपको वो चीज़ सबमिट करनी होगी। तो ये तो होगी काउंसलिंग की बात कि काउंसलिंग करनी कैसी है। आपको कोई फोन नहीं जाने वाला है, कई बार मैसेज जाता है लेकिन कई बार नेटवर्क वगैरह की समस्या को लेकर के मान लीजिए अगर आपका मैसेज नहीं जा रहा है तो आप भी प्रयास करिए कि विश्वविद्यालय की वेबसाइट को चेक करते रहिए, खुद भी सजग रहिए क्योंकि हो सकता है मैसेज यहाँ से भेजा गया कि आपका आप अपना प्रक्रिया आगे को बढ़ाइए लेकिन आपको मैसेज समय पर नहीं पहुँचा या कुछ भी तकनीकी खराबी आ गई, कुछ भी समस्या हो गई तो वहाँ पर आपका नुकसान ना हो जाए, इसके लिए थोड़ा आप भी सजग रहिए और थोड़ा प्रयास करिए, अब से चैतन्य रहिए क्योंकि अब किसी भी समय LLM की कट ऑफ आ सकती है, LLM की जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो आ सकती है। पहले LLM की एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगी, उसमें 1 से लेकर के और 1,000, 2,000, 3,000 जितने लोगों ने एग्जाम दिया है सबका नंबर लिख के आएगा कि कौन कितना नंबर पाया है। उसके बाद एक कट ऑफ जारी होगी और वो जो योग्य लोग हैं उनके फीस पेमेंट करने के द्वार उनके ऑप्शंस खुल जाएंगे। ये तो हो गई कट ऑफ की बात। अब जब पहली कट ऑफ आ गई और 3-4 दिन का आपको अवसर मिल गया, आपने अपना फीस सबमिट कर दिया, उनको हटा देते हैं। जो लोग फीस सबमिट नहीं किए, जिनको कहीं पर अलग उनको एडमिशन लेना था उन्होंने कहीं अलग एडमिशन लिया, उनकी सीटें रह गई खाली। उसके बाद दूसरी कट ऑफ जारी होगी और उसके बाद जो मैं नीचे वेटिंग की बात बता रहा था, जैसे मैंने कहा कि जनरल में अगर आप 75 से ऊपर और 80 तक स्कोर कर रहे हैं या 80 के ऊपर कर रहे हैं तो बिल्कुल बढ़िया है। अगर आप 70 से 75 के बीच में जनरल में स्कोर करके बैठे हैं तो हो सकता है आपको पहली कट ऑफ में फीस पेमेंट करने के लिए ना बोला जाए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं और अगर आपके 65 साल सही 130 के करीब आसपास आप नंबर पा रहे हैं तो हो सकता है आपको पहली कट ऑफ में, हो सकता है आपको पहले राउंड की काउंसलिंग में फीस पेमेंट करने के लिए ना कहा जाए, आपको वेट करना है। अगर आप लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रवेश चाहते हैं तो थोड़ा आपको वेट करना है और मैं जानता हूं आपकी जगह पर मैं होता तो मेरी, जैसे मैं बता रहा हूं वेट करना है उससे मैं थोड़ा सा परेशान ही होता कि कितना वेट करना है, कैसे वेट करना है। तो वेट करना अब इस आप जिस दौर में है, जिस उम्र में है, इसमें थोड़ा सा प्रतीक्षा करना, थोड़ा सा संयम रखना, धैर्य रखना जरूरी होता है। और मुझे लगता है आपको कई बार ऐसा होता है, पिछली बार मैं नाम तो नहीं लूंगा लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जो परेशान रहते थे कि मिलेगी सीट कि नहीं मिलेगी। मैं कहता रहता था कि सीट मिल जाएगी क्योंकि एक बार वो डेटा आ जाता है कि कुछ सीटें खाली रह गई हैं, तो लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग चले गए और बाद में ये हुआ कि उनका एडमिशन यहाँ पर हो सकता था। तो प्रतीक्षा करिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कहीं कोई आप बी प्लान बी लेकर के ना चलिए, कहीं पर कोई आपकी काउंसलिंग हो रही हो, कहीं पर आपका कुछ फीस पेमेंट का कुछ हो रहा हो तो वहां भी करिए, लेकिन अगर आप लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रवेश चाहते हैं तो थोड़ा सा समय लगेगा। समय इसलिए लगेगा क्योंकि विश्वविद्यालय भी ये चाहता है कि जो योग्य लोग हों उनका एडमिशन हो जाए, वो छूटे ना। अब मान लीजिए आपका नाम, आपका कट ऑफ में नाम आ रहा है, कट ऑफ में नाम से आपका मतलब रोल नंबर आ रहा है और आप फीस पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो विश्वविद्यालय 1 दिन का समय तो नहीं देता, विश्वविद्यालय 2-3-4 दिन का समय देता है, इसलिए कि अगर 1 दिन में आपको सूचना नहीं पहुंच पा रही है तो 2-3-4 दिन में आपको सूचना पहुंच जाए, आप किसी प्रकार से यहां पर फीस पेमेंट करके अपना एडमिशन ले लीजिए, ऐसा ना हो कि बाद में आपको कष्ट हो कि मैं समय पर मुझे जानकारी नहीं हो पाई। तो विश्वविद्यालय ये जो थोड़ी सी देरी करता है, या कह दीजिए कि जो विश्वविद्यालय पूरी प्रक्रियात्मक व्यवस्था बना के उसने रखी है, वो इसीलिए बना के रखी है ताकि आपका हित सुनिश्चित हो, ताकि आपका हित डिफीट ना हो, आपका इंटरेस्ट ना मारा जाए। तो कट ऑफ की हमने बात करी, लास्ट ईयर की कट ऑफ की बात करें तो 164-166 के आसपास शुरू हुआ था। शिवानी त्रिपाठी, प्रियमदा शुक्ला, ये सब बच्चियां थी जिन्होंने 1-2 इनकी रैंक थी। तो कैटेगरी की बात कर ली गई हम लोगों ने, हॉस्टल की बात, हॉस्टल जो बाहर के लोग हैं, अंदर के लोग हैं, कहीं के भी लोग हैं, हॉस्टल में एक HMS पोर्टल है लखनऊ विश्वविद्यालय का, हॉस्टल मैनेजमेंट सिस्टम करके, और उस HMS पोर्टल पर आपको अप्लाई करना होता है। जिस समय आप अपनी फीस पेमेंट कर रहे हैं, ये बात बहुत ध्यान से सुनिएगा जो लोग हॉस्टल जा रहे हैं, जिस समय आप अपनी फीस का पेमेंट कर रहे हैं वहीं पर आपसे पूछा जाता है कि डू यू वॉन्ट हॉस्टल अकोमोडेशन। अगर आप वहां पर यस नहीं करेंगे तो बाद में आपको हॉस्टल के लिए समस्या होगी, समस्या होगी मतलब नहीं मिलना है। तो जिस समय आप अपना फीस पेमेंट कर रहे हैं, जिस समय आप अपना प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर रहे हैं, उसी समय आपको हॉस्टल लेना है पर टिक कर दीजिए।
वहां पर यस पर आप टिक कर देंगे तो फिर कोई फॉर्म अन्य भरने की जरूरत नहीं है। फिर आपकी मेरिट वाइज, आपकी कैटेगरी वाइज एक लिस्ट अन्य आ जाएगी। कुल मिलाकर के समझिए कि एलएलएम में जो बॉयज हॉस्टल है होमी जहांगीर भाभा इंटरनेशनल हॉल, और जो बच्चियों का हॉस्टल है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर लॉ हॉस्टल, वो दोनों न्यू कैंपस में फैकल्टी ऑफ लॉ के बहुत ही करीब है, तो जिनको हॉस्टल मिल जाता है उनके लिए बहुत ही बेहतर हो जाता है। सीटों की बात करें तो ये मान के चलिए कि 10 से कम सीटें दोनों में हैं एलएलएम कैटेगरी के लिए, एलएलएम के कोर्स के लिए, और वो सीटें जो हैं वो 3-3-2-5-4 ऐसे करके बटी हुई हैं, मतलब कैटेगरी वाइज बटी हुई हैं। तो वो आपको आपके रैंक के अकॉर्डिंग, वो आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग खुद ब खुद अलॉट हो जाएंगी, उसमें कहीं पर फोन करने, सिफारिश करने या कहीं फॉर्म भरने की जरूरत नहीं। उसके बाद जब आपने अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लिया तो जो मैंने बताया कि डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होना है वो फैकल्टी ऑफ लॉ में होना है, उसकी एक जो प्रॉपर डेट आएगी वो मैं आपको बता दूंगा, प्रयास करूंगा कि फैकल्टी ऑफ लॉ में आपसे मिल भी लूं। और इसके अलावा यदि आपको कोई जानकारी चाहिए होगी तो कमेंट बॉक्स हमेशा खुला रहता है, मेरा नंबर वहां पर है, आप उससे पूछ सकते हैं आपके कितने सवाल सही हो रहे हैं, उस पर हम लोग कुछ एक बार चर्चा कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के कट ऑफ की मैंने बात करी लखनऊ विश्वविद्यालय में एलएलएम प्रवेश परीक्षा को लेकर के, मैं एक बार फिर से कहूंगा कि जिन भी लोगों ने एलएलएम प्रवेश परीक्षा दी है यहां पर थोड़ा सा संयम, थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए और पड़ेगा भी, क्योंकि थोड़ा सा प्रक्रिया जो है वो इसीलिए मैं बार बार कहूंगा कि वो आपके हित के लिए है। कई बार ऐसा हुआ है कि 3 दिन का मैसेज चौथे दिन में पहुंचा है और चौथे दिन आदमी भागा भागा अपना फीस पेमेंट किया है। तो और सारा डॉक्यूमेंट अपना तैयार करके रखिए, हाई स्कूल से लेकर के हाई स्कूल इंटर यूजी, सारी ओरिजिनल मार्कशीट, सारी ओरिजिनल डिग्री। अगर आपको एलएलबी की डिग्री नहीं मिली है तो आपके पास प्रोविजनल होगा, तो अगर डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल है, अगर प्रोविजनल नहीं है तो प्रोविजनल के लिए अप्लाई कर दीजिए। जो लोग लखनऊ विश्वविद्यालय से एलएलबी करके या लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों से अप्लाई किए थे उनके लिए भी प्रोविजनल जरूरी है, तो प्रोविजनल लेकर के आइए। माइग्रेशन आवश्यकता नहीं पड़ेगी लेकिन प्रोविजनल की आवश्यकता पड़ेगी। और हाँ, सबसे बड़ी चीज़ ये कि अगर आपने गैप किया हुआ है, अगर आपके एलएलबी में और एलएलएम के बीच में साल भर का 2 साल का गैप है, तो एक गैप सर्टिफिकेट बनवा के रखिए। गैप सर्टिफिकेट का फॉर्मेट क्या होगा आप मुझे टेक्स्ट कर दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको उसका मैसेज करके आपको बता दूंगा कि गैप सर्टिफिकेट का फॉर्मेट क्या होगा। तो इतनी सारी बातें मैंने सोच के रखी थी जो आपसे करनी थी। इसके अलावा अगर मुझे कुछ लगता है या आपको कुछ लगता है तो आप मुझसे सवाल बिल्कुल पूछ सकते हैं, और अपने कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी जो भी सुझाव है, समीक्षा है, प्रतिक्रिया उसको व्यक्त करिए। ढेर सारी शुभकामनाएं, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग जो वीडियो को देख रहे हैं, खैर ये प्रैक्टिकल तो नहीं है लेकिन हाँ, आप सभी का लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रवेश सुनिश्चित हो। लखनऊ विश्वविद्यालय में अगर आपका प्रवेश सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है तो जहां भी आप जाइए वहां पर नाम रोशन कीजिए, खूब उन्नति करिए, प्रगति कीजिए, क्योंकि देखिए एलएलएम एक ऐसी चीज है कि अब आप एकेडमिक्स की ओर बढ़ रहे हैं। हो सकता है अब आपका रुझान जो है वो एकेडमिक्स की तरफ जा रहा हो, आपका जो शोध की तरफ रुझान जा रहा हो। बाकी अगर आपको जुडिशरी की प्रिपरेशन करनी है तो मुझे नहीं लगता कि एलएलएम की कोई आवश्यकता है, मुझे नहीं लगता कि एलएलएम पढ़ने से कुछ ऐसा, एलएलएम करने से कुछ ऐसी विशेषता आ जाती है। मैच्योरिटी कहें या उम्र ज़्यादा बढ़ जाना कहें, वो बात अलग की है। बाकी जो आपकी एलिजिबिलिटी डिग्री है वो एलएलबी है, तो जिनको प्रवेश मिल रहा है उनके लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, जिनको प्रवेश नहीं मिल रहा है हो सकता है ईश्वर आपके लिए कुछ अन्य बड़ी चीज़ सोच रहे हो, कुछ अन्य द्वार खोल रहे हो, तो ढेर सारी शुभकामनाएं। जल्दी जुड़ते हैं, जल्दी मिलते हैं आपके साथ, तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद, प्रणाम।